करते अचानक यहाँ मौसम बिगड़ी से ओखर बारे में आप मन के का कहना? ये भोले बाबा के साक्षात संकेत है कि हमार कथा है सफल के ऊपर बढ़ते जाते और सब भक्त मन जब गरेरा ऐसे अधिक से अधिक में तो सब भक्त भोले बाबा के हाथ उठा के स्वागत करी से कि भोले बाबा हमार कथा में पहुँच गए। आज कथा पहला दिन है और भोले बाबा बहुत अच्छा से आगमन हुई से देखा ले हम भोले बाबा बहुत बहुत प्रणाम करथन और सबो जनमानस एक कथा में आए तेरा भोले बाबा के ही रूपे वो मला प्रणाम करथन। श्री शिवाय नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। फिर से आज मैं आप मन से के साथ जुड़ गए हूँ अपन यूट्यूब चैनल सीजी फनी इंटरव्यू में और आज फिर से हमन शिव महापुराण कथा में आए हवन, पहुँचे हवन और भोजन भंडारा के व्यवस्था कैसे इखर भैया मन से बातचीत करबो, जितना व्यवस्थापक है उखर मन से है ना, तो अपन अपन राय दी। ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते भैया, श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, महादेव। अपन अपन परिचय देते हो, कहाँ से आप? मैं राकेश निषाद गंडई से। जी जी जी। यहाँ मेरा व्यवस्था है मुख्य प्रभाग भोजन व्यवस्था में और मेरे साथी भाई लोग हैं। जी जी। यहाँ लगभग कतेक जन सेवा में लगे हैं हुए हवा अपन? यहाँ 700 और बाहर से आए हुए 350 टीम साजक से आए हुए हैं, टोटल अपन 1050 व्यवस्थापक के कार्य करने वाले हैं। कितना बड़े एरिया में यहाँ का भोजन भंडारा की व्यवस्था करेंगे? लगभग 7 एकड़ के हुए हैं। बहुत बड़ा पंडाल है, 7-10 एकड़ के आसपास। कोई दिक्कत थोड़ी हो तो आप मन कोनो प्रकार कोई दिक्कत कोई सब धर्म नहीं है, हमने ऐसे प्रयास करा था कि कोई कोई सब परेशानी ना हो पंडाल में, भोजन व्यवस्था में और हाथ वाथ धोए जगह में भी कोई परेशानी ना हो। ये हमारा उनके सब जन के जितने यहाँ व्यवस्था हर भोजन मंडाल में वो सब जन के यही उद्देश्य है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हो बाकी दर्शक मान लो श्रद्धालु मान लो यहाँ आए हुए हो मान लो? मैं भैया यही कहना चाहता हूँ कि जतक जगह हो सके आसपास के एरिया के और हम पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ गंडे में शिव महापुराण कथा हुआ था ऊपर सुने पर जरूर आवाओ और अपन अपन जीवन ला कृतार्थ करो और अपन जीवन ला आगे बढ़ावा शांति से शांति बनाए रखे। बोलो बोलो बोलो, यही कहते हम कि यहाँ आए और बढ़िया शांति पूर्वक लाइन लगा के क्रम बद होके कोनो प्रकार को हुलड़ी ना करे और कोनो प्रकार के अव्यवस्था न हो ऐसे विचार के साथ यहाँ आओ और कथा सुना बढ़िया एकदम शांति पूर्वक। भैया भैया मैंने सब जन से बात करबो धीरे धीरे अपन अपन राय दी सबो जना संगवारी हो बस देखत रहो। जी भैया हर महादेव, विचार है यहाँ के भोजन भंडारा के व्यवस्था में? भोजन भंडारा तो बहुत अच्छा चला था यहाँ पे, हर एक इंसान के लिए पर्टिकुलर हर एक भक्त के लिए यहाँ पे व्यवस्था रखे गए है, वो चाहे वैसाखी से आए या कुछ भी से आए ओकर लिए अलग से दे था नमन है सबके सब, बाकी स्टाफ के लिए अलग से मेस लगाए हैं और बाकी सर्विस के लिए अलग है, पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी आप मन एक बात बताते हो कि यहाँ लगभग रोज डेली कितना श्रद्धालु मन पर खाना बनते भोजन बनते? लगभग कल के डेट से 40,000 के लिए बनी रही पिछला जी जी। और आज आज अनगिनत 70-80,000 के लिए बनी, बाकी आने वाला दिन के लिए जितना आ जाए उतना के लिए व्यवस्था यहाँ पे खड़े आना जी। आप मन के हिसाब से जितना देखा था यहाँ के आंकड़ा लगा के कोशिश करूँ कि कितना संख्या में उपस्थित हो श्रद्धालु मन? आज 80-90 हज़ार के बीच में हुआ जी, कल के डेट से लाख पार हुई कल के डेट। यहाँ 4 दिन के कथा है वो हिसाब से रोज रेगुलर बढ़ते जाते ओकर लिए हम व्यवस्था के लिए जितना हो सके हम पर व्यवस्था के लिए हन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, श्री शिवाय नमस्ते। ये भैया मन आक्रमण से बात करो जी। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अपन परिचय देता हूँ, मैं तान सिंह साहू ग्राम पंचायत ठंडार के सरपंच हूँ जी जी, जो कि मेरे को भोजन पंडाल सेवा का कर्तव्य दिया है तो मैं वो निभा रहा हूँ। और मैं क्या है जो भी एक 10 के पीछे 20 है 20 के पीछे और 20 है ऐसा करके सेवा 750 लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ, 750 लोग यहाँ भोजन भंडारा में ही व्यवस्था कर रहे हैं जी जी। हाँ इन लोग भाई लोग साझा से आए हैं और 1100 लोग यहाँ पे है तो सभी लोग ना 5 बजे से उठ जाते हैं सेवा में लग जाते हैं, उसके बाद रात को 11 बजे जो नजदीक वाला है अपने घर पे जाते हैं और जो बाहर से आए लोग है उसके लिए व्यवस्था है, रूम का व्यवस्था, रहने का,
रहने का और सबका व्यवस्था है। क्या कहना चाहता हूँ श्रद्धालु मन ला, आप मन यहाँ उपस्थित हो तुम लोग, ये बहुत बड़े धन्य के पात्र है जो गंगई माँ के कृपा है, जिन कथा के सुने के अवसर मिली सहु जिन श्रद्धालु है तो कथा सुनते थे, लेकिन हम ला अवसर प्रदान हो सके, हम ना सेवा करे के मौका जिन आए हुए बाहर से 1,00,000 श्रद्धालु आते भक्त आते ओला भोजन प्राप्त कराए के हम ना भागीदारी में उकले हमन धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो इसे बातचीत तो करे ना आगे तरफ लेडीज मन महिला मन है यहाँ पे सब्जी वब्जी सुधारा थे, इकरे मन से थोड़ा बहुत बातचीत करबो और आप मन ला भोजन भंडारा कैसे बना थे वो तरफ ला दिखाबो अच्छा से, और यहाँ माहौल तगड़ा बन चुके हैं संगवारी हो, ठीक है तो आओ इधर मन से बातचीत करता हूँ। तो संगवारी हो आप मन ला बताता महिला मन यहाँ सेवा करा थे सब्जी वब्जी सुधारा थे, ठीक है इकरे मन से ही पहली बातचीत करबो, बातचीत करतन का कुछ खास सेवा यहाँ कैसे लगा थी मन ला देखो ना सबले पहले हट भाई दे संगवारी हो यहाँ पे सुधारा थे सब्जी घर मन सही बात चित करो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अपन परिचय देते हो? नाम है सुनीता लिल्हारे। कहाँ से हो? ग्राम ठंडार से। जी यहाँ के व्यवस्था के बारे में बताते हो, भोजन भंडारा के व्यवस्था के बारे में? भोजन भंडारा में बहुत अच्छा व्यवस्था की है। लगे हो आप मन कार्य 17 तारीख से? 17 तारीख से यही भोजन भंडारा में लगे हो। कैसे लगा यहाँ काम करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के मन बुलावत रही से मुलायम। जी श्री शिवाय नमस्ते। अपन अपन नाम बताते सर। श्री साहू कैसे लगा यहाँ? यहाँ बहुत आनंद है। कब से लगे हो यहाँ कार्य? कल से। क्या कहना चाहता हूँ दर्शक, ये सोचत बैठे संगवारी हो देख लो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, दीदी मन सब जन से बातचीत कर वो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। क्या कहना चाहता हूँ आप मैंने यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करने में, बहुत अच्छा है। संगवारी हो यहाँ लगभग कथा खत्म होने वाला है और सब श्रद्धालु मन भोजन प्राप्त करे बर आवत जाते दिखा। जी तो संगवारी हो आप मैं सोचा तो यहाँ इतना बड़े कथा हुआ थे देखा रे भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हुई, कैसे टाइप से यहाँ अपना लोगन मन बार खाना बनाते, तो और संगवारी हो जानथन कैसे टाइप से इखर मन बार खाना बनाते, अपना जन बार अपना श्रद्धालु मन बार लाखों के संख्या में भीड़ होते उमन ला पूरा तरीका से भोजन प्रसाद वितरण करते, तो आओ जानथन यही सब माँ बनते भोजन मन हाँ और बातचीत करबो जितना भी लगे यहाँ सेवक मन हाँ। जी भैया आप जी जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी आप मन अपन परिचय देते हो? मैं समाज सेवक पुष्क कश्यप। जी जी हमन हाँ करीबन 350 से 400 संख्या में साझा से आए हैं। हाँ साझा से। साझा से बेसाजा बेल्ला बेमेतरा सब एक मिल के धान थमरिया सबो क्षेत्र के भाई मल धर के लाए हैं। जी जी। और हमन कथा चालू हो कि एक दिन पहले पहुँचे हैं। जी जी। और जिन प्रकार के हमने सेवा मिला थे जी जी। सब सेवा करें पंडाल की सेवा हो भोजनालय की सेवा हो सफाई की सेवा हो चाहे बर्तन सफाई की सेवा हो। जी आप मन थोड़ा बताते हो यहाँ अपना लोगन मन पर भोजन है किस प्रकार बनते, थोड़ा विस्तार में बताए की कोशिश करते हो? यहाँ भोजन है सुबह 5 बजे से बनना स्टार्ट हो जाते और करीबन करीबन भोजन है 40 क्विंटल 50 क्विंटल पर डे बनत हवे और जितना भी श्रद्धालु आते हैं कथा सुने पर सबो श्रद्धालु मल्ला भक्त मल्ला हमन भोजन कराथन। भोजन हमर निरंतर चलत रही थे, कथा के समय थोड़े से बस विराम देथन काबर की धूप थोड़ा ज्यादा रही थे और भक्त कथा सुनना रही थे एक स्थिति और निरंतर सुबह से शाम तक भोजन है रात तक चलत रही थे और श्रद्धालु की संख्या कोई है नहीं बहुत थे। भोजन मल्ला लकड़ी वाले चूल्हा में बनाता हूँ कि गैस चूल्हा में बनाता हूँ? लकड़ी चूल्हा में बनाथन भोजन ला और हमारे भाई मन बाहर से आए हवा ये मन 100-150 आदमी हवा और जिहा महाराज के कथा होते तिहा जाके मन सेवा देते और एक मन के टीम हवा जो निरंतर सेवा जहाँ जहाँ महाराज की कथा होते चाहे कोनो राज्य में हो हर जगह जाके महाराज के साथ सेवा करते। अचानक यहाँ मौसम बिगड़ी से ओकर बारे में आप मन के क्या कहना? ये भोले बाबा के साक्षात संकेत है की हमारे
कथा है सफल के ऊपर बढ़ते जाते और सब भक्त मन जब गरेरा ऐसे अधिक से अधिक में तो सब भक्त भोले बाबा के हाथ उठा के स्वागत करी से कि भोले बाबा हमार कथा में पहुंच गए की आज कथा पहला दिन है और भोले बाबा बहुत अच्छा से आगमन हुई से देखा ले हम भोले बाबा बहुत बहुत प्रणाम करथन और सबो जनमानस एक कथा में आए तेरा उन भोले बाबा के ही रूपे वो मला प्रणाम करथन। तो देखे संगवारी हो ऐसे बताई से भैया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। चलो संगवारी हो आज के वीडियो ला भी ये वाला वीडियो ला यहीं समाप्त करथन। फिर से आप मन ला दिखाबो पब्लिक रिव्यू जनता मन के श्रद्धालु मन के ठीक है। तो बस बने रहो जी जी फनी इंटरव्यू में। कैसे लगी इस वीडियो बताओ कमेंट करके और वीडियो अच्छा लगी तो इधर लाइक कर दो।